नमस्कार साथियों, आज अपन आए हैं माता किताबकौर कॉलेज में। माता किताबकौर कॉलेज में आज एक लोहड़ी का फंक्शन आयोजित किया गया है। उसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां और डांस का प्रोग्राम हुआ। चलिए अपन बच्चों से कम्युनिकेशन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या थीम पे रंगोलियां बनाई है और फर्स्ट सेकंड का क्या डिसीजन रहा। चलिए माता किताबकौर कॉलेज में हमें कल्चर वीक का प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें दो दिन रंगोली बनाई और जिसमें अभी 22 जनवरी को राम मंदिर के उपलक्ष में हमने रंगोली बनाई गई 5, जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले गए और उसके बाद में तीसरे दिन लोहड़ी का प्रोग्राम किया गया, जो कि बहुत धूमधाम से और लोहड़ी जलाई गई जिसमें रंगोली बनाई गई। और माता किताबकौर कॉलेज की तरफ से सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। कि अपन बात कर रहे थे कि माता किताबकौर ने बच्चों को एक लोहड़ी के ऊपर उपलक्ष में एक कार्यक्रम रखा, उसमें क्या इन्होंने रंगोली अलग अलग थीम पे बनाई है। अपन बच्चों से बात करेंगे किस थीम पे और किस बच्चे ने क्या क्या मोटिव रखते हुए अपनी रंगोली को डिजाइन दिया है। जैसे कि हमारे साथ है बेटा, आपका नाम क्या है? सर प्राची पांडे। प्राची बेटा, ये किस थीम पे आपने रंगोली बनाई है और इससे क्या संदेश जाता है? सर, ये अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसके उपलक्ष में हमने ये रंगोली बनाई है सर। हाँ जी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो, जय श्री राम, जिसमें राम को डिनोट करते हुए इन्होंने एक तीर भी बनाया है, धनुष भी बनाया है। जी, ये मैप किस चीज का बनाया आपने? सर भारत का मैप। भारत को आपने भगवा रंग दे दिया। क्या ये एक धर्म से रिलेटिव है या सभी धर्म से? सर सभी धर्म से। हाँ जी, जैसे कि इसमें भगवा रंग दिया है, कहीं कहीं ब्लू कलर दिया है, ये ब्लू कलर किस चीज को डिनोट करता है? सर ये या मतलब पानी वाले एरिया होता है ना उस टाइप। हाँ जी, जैसे कि इन्होंने ये ब्लू कलर दिया है जो आप देख पा रहे हो, ये कलर इन्होंने जो वाटर सोर्सेज है जहाँ टच करती है सीमा पानी को, समुद्री इलाके को शो किया है। और ये ऊपर वाला जो येलो पार्ट दिया है, ये किस चीज को दिया है आपने? सर ये उगते हुए सूरज के टाइप में दिया सर। हाँ जी, उगते हुए सूरज को। और ऊपर जैसे कि अपन को पता है मैप में ऊपर है कश्मीर, दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला जो कश्मीर है उसको इन्होंने येलो कलर दिया है। बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू सर। आगे अपन चलते हैं, मैं कहूँगा सेकंड अपनी जो रंगोली बच्चों ने बनाई है उसकी तरफ चलेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन इनको जानेंगे कि इनका नाम क्या है। रमन, आप लोगों ने जो ये रंगोली बनाई है ये किस चीज का संदेश दे रही है? श्री राम का। राम को डिनोट आपने इसको किया है, किस उपलक्ष में किया है, किस मोटिव से आपने राम को इस चीज को डिनोट करते हुए ये बनाई है? सर अयोध्या की श्री राम की जन्मभूमि का उद्घाटन पे 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उस उपलक्ष में हमने ये रंगोली बनाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें एक लिखा है श्री राम, श्री राम जी को डिनोट किया गया है। एक इसमें ध्वज लगा है, ये ध्वज किस चीज को डिनोट कर रहा है? राम जी को। जिस तरीके से भगवान का परचम है उसी प्रकार इन बच्चों ने ध्वज लगाया है, पताका लगाई है। ये आप लोगों ने वर्क किया है, आपके मन में क्या भावनाएं थी जो इससे ही रिलेटेड आपने काम किया? बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो इसे? भगवान राम के बारे में हमने डिनोट किया और उनकी मंदिर के उपलक्ष में बनाया है। हाँ जी, जैसे कि भगवान पुरुषोत्तम राम, उनके आदर्शों पे चलना, बच्चों द्वारा ये जो रंगोली बनाई गई है राम को डिनोट की गई है। जिस प्रकार पुरुषोत्तम राम थे, उनके आदर्श थे, वैसे ही ये संस्था के बच्चे उन आदर्शों का फॉलो करें। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा है आपका। चलिए आगे रंगोली की बात करेंगे सेकंड वाली की। अगर हम बात करें आगे जो रंगोली बना रखी है, ये रंगोली आपने किस थीम पे बनाई है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की।
राम की थीम पे बनाई है, जैसे कि आपने इसमें शुभ लाभ लिखा है, इस शुभ लाभ का मतलब क्या होता है? सर, भारत में अयोध्या धाम बनना है सर, उसके अंदर राम लल्ला जी प्रतिष्ठान आएंगे, इसके उपलक्ष में शुभ लाभ मतलब दिया गया सर। जैसे कि आप लोग समझते हो, जानते हो कि शुभ लाभ का मतलब होता है शुभ कामनाएं। आज लोहड़ी का त्यौहार है, हम यहाँ माता किताब कौर संस्था में आए हैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो सभी को शुभ लाभ, शुभ का मतलब होता है खुशियां आना। ये जो तीर का निशान दिया है आपने, ये किस चीज को डिनोट करता है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का वीर्य तीर है सर। वीर्य तीर है, ये धनुष की शेप में, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें कि ये जो रंगोली बनाई है ये धनुष के शेप में बनाई गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धनुष है और जो तीर है उस पे लिखा है इन्होंने श्री राम। आपने जो राम लिखा है, इस राम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राम से सर, राम अच्छे पुरुष थे, एक अपने माता पिता का सम्मान करते थे, सभी को मतलब मर्यादा देना, मर्यादा बनो। जैसे कि आप जानते हो पुरुषोत्तम राम अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, अपने त्याग के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार इस एजुकेशन लाइन में अगर बच्चा एक अपनी त्याग भावना रखे तो एक अच्छे मोटिव, एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये रंगोली बच्चों को त्याग की भावना के बारे में संदेश देती है। आगे अपन चलेंगे, एक रंगोली और है, इसमें लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो अयोध्या चले राम। ये बात करेंगे बच्चों से, हमारे पास है बेटा, नाम क्या है? पंकज वर्मा। पंकज वर्मा, पंकज जी आपने जो ये रंगोली बनाई है अयोध्या चले राम, ऐसा क्यों? क्या राम पहले अयोध्या में नहीं थे? सर ये राम मंदिर के उपलक्ष में बनाई गई है। जैसे कि अपन को पता है कि अयोध्या में राम तो थे लेकिन उनका जो स्थान था वो नहीं था, अब पर्टिकुलर उनको एक मंदिर का औधा मिला है, स्थान मिला है, उसमें उसी उपलक्ष में बच्चों ने क्या कहा है अयोध्या चले राम। क्या आप लोग भी जाना चाहोगे अयोध्या? यस सर। आप भी अयोध्या जाओगे, उसमें लिखा है सीताराम, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीताराम क्यों? सीता राम सीता क्यों नहीं लिखा आपने? सर पहले उसकी मिसेज का नाम आया जाता। देखो इसमें इन बच्चों ने दिया है कि सीता राम, जिस प्रकार एक महिला को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, महिला का नाम पहले दिया, जैसे कि राम जी की पत्नी का नाम पहले आता है सीता राम, ये संदेश दे रहा है कि लड़कियां आज के टाइम में कम नहीं है, एजुकेशन लाइन में एक कदम लड़कों से आगे है। यहाँ पर एक बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। बेटा आपने ये किस थीम पे बनाया? सर राम की सीताराम के उपलक्ष में। सीताराम के जो ये तीर दिया है ये दर्शाता है पताका को, जिस तरीके से एक तीर निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार निकले हुए वाणी से शब्द कभी वापस नहीं आ सकता। इसमें एक एक चीज आपको नया संदेश देती है, जैसे ये तीर है एक बार अपनी कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार कंठ से मुख से निकले हुए वर्ड कभी वापस नहीं आ सकते, इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो भी वर्ड बोलो सोच समझकर और एक अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये आप आज अपन आए थे माता किताब कौर में, आज इन बच्चों की रंगोली देखी। अब हम डायरेक्टर सर से भी बात करेंगे थोड़ी सी कि आपको सर रंगोली बच्चों की कैसी लगी? बच्चों की रंगोली रियली में वास्तव में सब ने अच्छी मेहनत की है और कुछ गलतियां रही हैं तो वो इनको सुधारेंगे, मैंने बताई है, लेकिन इनकी तारीफ जितनी करे कम है क्योंकि आपने देखा हुआ इन सभी की रंगोली लाजवाब। हाँ जी सर, बहुत बहुत अच्छी है, अच्छा संदेश देने वाली रंगोलियां हैं, बच्चों को आप समय समय पे मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा हमें माहौल मिला आज जब माता किताब कौर संस्था में आए, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुकून देने वाला है, एक अच्छा पढ़ाई का माहौल भी है। सर आप बच्चों को क्या संदेश दोगे? संदेश यही है बच्चों को कि जो कुछ भी करें सोच समझ कर, धैर्य के साथ,
हम जब एक कदम उठा के रखते हैं तो एक बार सोच लें कि कैसे रखना है उसको, अगर इतना ही कर लेंगे तो शायद सफलता इनके कदम निश्चित रूप से चूमेंगे। थैंक यू सर, सर ने हमें टाइम दिया, आज हम माता किताब कौर संस्था में आए। जो भी बच्चा मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, इस माहौल है, मैं बहुत से कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल ही पीसफुल है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। आज हम माता किताब कौर में आए, सर ने हमें टाइम दिया, बुलाया, उसके लिए सर को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।